अयोध्या की पावन धरती पर रामलला विराज चुके हैं और प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम संपन्न हो चुका है, लेकिन राजस्थान के प्रतापगढ़ की धरती काफी सौभाग्यशाली मानी जाती है। मेवाड़ में माता सीता और लव कुश के बचपन से का जुड़ा हुआ किस्सा है। दोस्तों, पूरा देश राममय है। 500 साल बाद रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को लेकर पूरे देश में उत्साह का माहौल है। इस दौरान आपने राम और माता सीता के जीवन से जुड़े कई किस्से और कहानियां सुने होंगे। उन्हीं में से एक हम आपको बताने जा रहे हैं, लव कुश के बारे में। धरती में समा गई थी सीता माता। सीता माता वन्य जीव अभयारण्य राजस्थान के प्रतापगढ़ और चित्तौड़गढ़ जिले में स्थित एक वन्य जीव अभयारण्य है। कहा जाता है कि रामायण काल के दौरान जब प्रभु श्री राम ने माता सीता को वनवास दिया, तो माता सीता ने अपने वनवास के दिनों में इसी जंगल में आकर रही थी। स्थानीय लोगों की मान्यताएं हैं कि वनवास के दौरान माता सीता ने इस जंगल में ऋषि वाल्मीकि आश्रम में कुछ दिन बिताए। लव कुश का जन्म भी सीता माता अभयारण्य में हुआ। ऐसा कहा जाता है कि सीता माता अभयारण्य में एक स्थान ऐसा भी है जहां लगभग 1.25 किलोमीटर तक पहाड़ दो भागों में बटा हुआ है। मान्यता है कि माता सीता यहीं धरती की गोद में समाई थी। पहाड़ जहां से फटा, वहीं आज माता सीता का मंदिर बना हुआ है, जो मेवाड़ के एक के साथ ही मालवा और गुजरात के श्रद्धालुओं की आस्था का प्रमुख केंद्र है। क्या है यहाँ की विशेषता? सीता माता से सेंचुरी में 12 बीघा में फैला यह बरगद का पेड़ आज भी मौजूद है। यहाँ लव कुश बचपन में खेला करते थे। यहाँ पुराने शिलालेख भी लगे हुए हैं, जिन पर त्रेता युग की बातें उल्लेख की गई हैं। सीता माता अभयारण्य में कई वृक्ष, लताओं और झाड़ियों की बेशुमार प्रजातियां इस अभयारण्य की खास विशेषता है। वहीं अनेकों दुर्लभ औषधि वृक्ष और अनगिनत जड़ी बूटियां अनुसंधानकर्ताओं के लिए शोध का विषय है। इस अभयारण्य में लव और कुश नाम के दो बावड़ियां भी हैं। इन बावड़ियों में ठंडा और गर्म पानी आता है। लोगों की मान्यता को देखते हुए यहां हर साल ज्येष्ठ की अमावस्या को मेला आयोजित किया जाता है। दोस्तों, बहुत सारी कड़ियां जुड़ी हुई हैं और मैंने आपको सीता जी और लव कुश के जन्म के बारे में बताया। अगर वीडियो आप लोगों को थोड़ा सा भी अच्छा लगता है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। रामायण को आप जितना पढ़ेंगे आपको ज्ञान बढ़ता जाएगा दोस्तों, और आप बहुत ही आगे तक आप उसका निचोड़ निकाल सकेंगे दोस्तों। तो चलिए, अगले वीडियो में फिर सीता जी के किसी और विषय में चर्चा करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, टेक केयर, अपना बहुत ख्याल रखिए और अपना सपोर्ट बनाए रखिए।